कर सको, इतना उनकी इतनी महिमा है। क्या बताते हैं कि कबीर करता आप है दूजा ना कोई, ओए होए दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। भक्ति वही देता पूरे जगत को, बाकी तो अज्ञान पर गाटा जोड़ रखा होता है। और यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है अपने यथार्थ स्थान से, जहाँ पर वो रहता है वहाँ से चलकर आता है और अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को, उन अच्छी आत्माओं को, वर्णीय पुरुष को मिलता है और उस दृढ़ भक्त को फिर अपना यथार्थ ज्ञान से परिचित कराता है। तो क्या बताते हैं, कबीर करता आप है दूजा न कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोई। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तज शरीर, दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। अब क्या बताते हैं कि जिसका जितना निर्धारित समय है मान शरीर जीवन का, उसके पूरा होते ही सबको यहाँ से जाना पड़ेगा शरीर त्याग के। कहते हैं जिसके पास परमात्मा का सच्चा नाम है, पूर्ण कबीर जी का यथार्थ मंत्र जिसके पास है, उसके पास काल नहीं आ सकता, उसकी मौत नहीं कर सकता। वो कबीर जी ही के आदेश से फिर वो परमात्मा की प्यारी आत्मा अपने हिसाब से शरीर छोड़कर जाएगी। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तज शरीर, जो परमात्मा की शरण में नहीं है उनकी निर्धारित आयु पूरी होते ही, चाहे 10 वर्ष का है, चाहे 20 वर्ष का, चाहे 50 वर्ष का, 100 वर्ष का, और तुरंत त्याग जाएगा। और कहते हैं जिसके पास कबीर परमेश्वर का यथार्थ मंत्र है और मर्यादा में रह रही हैं, कहते हैं जब लगन सा हमरी आना, काल लगे नहीं तेरा बाना। संत की गुरुदेव की मर्यादा में रहते हुए जो साधना कर रहे हैं, फिर काल का अटैक आप पर नहीं हो सकता। यदि आपकी आयु भी समाप्त होगी हो निर्धारित, उसको भी एक्सटेंड करेगा परमात्मा। कबीर जी के पास वो पावर है, ओनली कबीर जी के पास, गॉड कबीर के पास, और किसी के पास ये पावर शक्ति नहीं है कि आपकी आयु में वृद्धि कर सके। ठेका पूरा हुआ जब सब कोई तज शरीर, दादू काल गंजे नहीं, गंजे मन पकड़े नहीं, चप आवे नहीं निकट, जपे जो नाम कबीर। कबीर कबीर नहीं, परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिया गया मंत्र, कबीर जी का नाम मंत्र। आदमी की आयु घटे जो भक्तिहीन है, तब यम घेरे आए, सुवर्ण किया कबीरे का, दादू लिया बचाए। कहते मेरी उम्र खत्म हो गई थी, क्योंकि बीच बीच में बहुत सी परमात्मा लीलाएं करते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं, दृढ़ करना चाहते हैं कि आज तेरी आयु नहीं थी बच्चा, और यम के दूत लेकर चल पड़े थे वहाँ से, फिर छुटवा कर दादू जी को वापस शरीर में छोड़ा। अब मैं कहूँगा बेटा जब तक तू रहेगा, उस आप बीती को दादू जी बता रहे हैं। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, यम के दूत आकर घेर लेते हैं जब आयु पूरी हो जाती है। जब सुमरण किया कबीर का, दादू लिया बचाए, दादू जी को की एक्सटेंशन की आयु की परमात्मा ने, मेट दिए अपराध सब आ मिले छन माही। उपदेश देने के बाद छोड़ दिया, जैसे आप जी हो और आप जी की आयु कम समाप्त होने वाली आगे निर्धारित समय पर, तो ऐसे ही दादू जी की भी आयु समाप्त हो गई थी। यम के दूत लेकर चलने लगे, पुकार की, कहते मेट दिए अपराध सब आन मिले छन माही, दादू संग ले चले है कबीर चरण की छाही। उनसे छुड़वा के यम के दूतों से, और कहा बेटे मेरे साथ साथ लेकर वापस ले आए और शरीर में पुनः छोड़ दिया। सेवक देव निज चरण का, दादू अपना जाने, ब्रंगी सत कबीर ने किन्या आप समानी। अब दादू जी कह रहे हैं
ये परमात्मा कबीर जी ने भृंगी पक्ष भृंगी की भृंग की तरह भृंग कीड़ा होता है आपने जिसने हरियाणा में बम्बीरी बोलते बम्बीरी वह बोले जागर और एक कीड़े को उठा लेती है वो कहीं से कीड़ा उठाया और अपने एक मिट्टी का उसने बना रखा होता है घर थोड़ा सा सुराख होता है उसमें कीड़े को प्रवेश करके थोड़ी सी मिट्टी और लगा देती है उसके सुराख पे ताकि वो बाहर ना चला जाए और उसके ऊपर घूमती रहती है भी 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 कराती है तो उसकी इतनी अत्यधिक उस भी बोल देती है आवाज़ बोल देती है तो अंदर वो कीड़ा भी उसी जैसे आकार का बन जाता है और उसी तरह भी करने वाला बन जाता है। तो ये परमात्मा कबीर जी ने कहते हैं दादू जी कि मुझे इतना ज्ञान दे दिया कि मुझे भी उसकी महिमा का ऐसे ही गुणगान करने पर विवश होना पड़ रहा है वो इतने समर्थ है। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान भृंगी सत कबीरे ने कीन्या आप समान दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्यान वारो नाम कबीर पर पल पल मेरा प्रण। कहते परमात्मा कबीर जी की ने जो मंत्र मुझे दिया है वो ईशान मोल मंत्र है कि उस पर मैं पल पल अपने प्राण नौछावर कर दूं तो भी कम है। अब क्या बताते हैं कबीर जी की महिमा सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथे धन धन हो तीनों लोक में है दादू जोड़े आठ। दादू साहब जी कह रहे हैं कि कबीर परमेश्वर की साख माने महिमा उसकी महिमा के वचन सुनकर ये काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म कहते हैं नुमाथ निवावे माथ यानी माथा झुका लेता है मस्तिष्क झुका लेता है वो ऐसे बैठ जाता है कि सचमुच वो तो प्रबल शक्ति है ये स्वीकृति देने के लिए यूं कर लेता है का वो तो भगवान ना पड़ा है। और धन धन तीनों लोक में है दादू जोड़े हाथ केरी नाम कबीर का ये विखम काल गजराज दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। अब जैसे केरी बोलते हैं बब्बर शेर यानी आम शेरों से भी तगड़ा जो शेर होता है वो केरी होता है और गजराज आछियों का भी राजा यानी सबसे तगड़ा। तो क्या बताते हैं कि ऐसी तुलना कर रहे हैं कि कभी यो काल को तो ये समझ लो ये हाथी है यानी हाथी एक शेर ने छोड़ के बब्बर शेर ने छोड़ के बाकी किसी भी प्राणी के वो दाब नहीं मानता सबसे प्रबल होता है। तो ये काल को तो समझ लो हाथी है और कबीर परमेश्वर के इस नाम को जो मंत्र तुम्हें दे रखा है इस दास ने भी आपको दे रखा वो मंत्र सतनाम और फिर सार नाम उसको समझो वो केहरी है बब्बर शेर है। तो जैसे कहीं से शेर दहाड़ मार दे और हाथी वहाँ से जा रहा हो तो हाथी इतना भयभीत हो जाता है उस शेर की दहाड़ से वो भाग लेता है और लीद कर देता है टट्टी कर देता है इतना घबरा जाता है शेर की दहाड़ से। अब जैसे केरी बोलते हैं बब्बर शेर यानी आम शेरों से भी तगड़ा जो शेर होता है वो केरी होता है और गजराज आछियों का भी राजा यानी सबसे तगड़ा। तो क्या बताते हैं कि ऐसी तुलना कर रहे हैं कि कभी यो काल को तो ये समझ लो ये हाथी है यानी हाथी एक शेर ने छोड़ के बब्बर शेर ने छोड़ के बाकी किसी भी प्राणी के वो दाब नहीं मानता सबसे प्रबल होता है। तो ये काल को तो समझ लो हाथी है और कबीर परमेश्वर के इस नाम को जो मंत्र तुम्हें दे रखा है इस दास ने भी आपको दे रखा वो मंत्र सतनाम और फिर सार नाम उसको समझो वो केहरी है बब्बर शेर है। तो जैसे कहीं से शेर दहाड़ मार दे
और हाथी वहां से जा रहा हो तो हाथी इतना भयभीत हो जाता उस शेर की दहाड़ से, वो भाग लेता है और लीद कर देता है, टट्टी कर देता है, इतना घबरा जाता है शेर की दहाड़ से। तो यहां क्या बताते हैं, केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराज, विषम माने दुखदाई, यु काल भी बहुत शक्तिशाली है, हाथी समझ लो। दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज, आप भक्ति करोगे तो आपके परमात्मा द्वारा दिए गए मंत्र से इतना भयभीत हो जाएगा यह काल, ऐसे भाग जाएगा जैसे हाथी लीद कर जाता है शेर की आवाज सुन के। पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लावे, अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खावे। अब कितनी तुलना, कितना अच्छा जो है ना उदाहरण दिया है परमात्मा की महिमा, और तो बता कैसे सकते हैं, वो तो अपरंपार महिमा है, राम समझ नहीं पाते, कुछ एग्जाम्पलों से हमें समझाया जा रहा है महापुरुषों के द्वारा जो परमात्मा से परिचित हुए हैं। क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लाए, हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खावे। जिस पुण्यात्मा को परमात्मा का ये यथार्थ जाप इस दास से प्राप्त हो गया, और यही मंत्र इन महान आत्माओं को दिया था, आदरणीय दादू जी को, आदरणीय गरीबदास जी को, आदरणीय नानक जी को, आदरणीय मलुकदास जी को, आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय गीता घीसादास जी को, आदरणीय रामानंद जी को, इन सब को यही मंत्र दिया था जो दास आपको दे रहा है। सतनाम जो दो अक्षर का होता है, एक नाम और है जो सत, जिसको सार नाम कहते हैं। इस नाम को जिसके पास ये नाम है कहते वो इतना सुरक्षित हो गया, इस काल की रीच से, रेंज से बाहर हो गया, इसकी रीच से बाहर हो गया, इसकी पहुंच से बाहर हो गया। जैसे हाथी के ऊपर बैठे व्यक्ति को, हाथी पर असवार व्यक्ति को कुत्ता हानि नहीं पहुंचा सकता, स्वान हानि नहीं कर सकता, किसी प्रकार भी नहीं कर सकता, हाथी को भी नहीं कर सकता, और ऊपर बैठे को तो बहुत उसकी पहुंच से बहुत दूर हो गया। तो यहाँ दादू साहेब जी और सभी परमात्मा से परिचित वो महान आत्माएं ये प्रमाणित कर रहे हैं कि आप जी जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ गए हो, ये सतनाम मर्यादा में सिमरन कर रहे हो, सारनाम सतनाम से भी आप सुरक्षित हो, प्रथम मंत्र से भी, क्योंकि उस सात मंत्रों में प्रथम और लास्ट परमात्मा का मंत्र उतना ही काम करता है, आपकी सुरक्षा का भी काम करता है, और बीच के मंत्र हैं जो आपको यहाँ की जो ऋण उतारना है, यहाँ की सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी उसके लिए होता है, फिर सतनाम है आपके मोक्ष के लिए होता है, इसका भी अलग से क्रिया होती है, इसका अलग से इसका महत्व है। तो क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लावे, अस्थि के असवार को हो स्वान काल नहीं खावे। परमात्मा का नाम जिसके पास है वो ऐसा सुरक्षित हो गया जैसे हाथी पर बैठ गया हो और कुत्ता उसको हानि नहीं कर सकता, समान तो समझो काल है, और आप जी हाथी के असवार हैं, परमात्मा के नाम पर आप बैठ गए। अब क्या बताते हैं, सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीर, कबीर परमात्मा के सिमरन सच्चे नाम का सिमरन करने से काल के द्वारा दिए गए कर्म दंड की पीड़ समाप्त हो जाती है, वो दुख नष्ट होने लग जाता है। दादू दिन दिन ऊंचा होवे परमानंद सुख सीर, परम आनंद इस स्मरण से परमात्मा के मंत्र से कहते हो परमानंद में आपका जो है ना साझा हो जाएगा, सीर हो जाएगा,